नमस्कार दोस्तों दोस्तों काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से स्वागत है मेरे उत्तराधिकारी इंडस्ट्रियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मिल में किसी भी स्टैंड का रोल आरपीएम आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिल कोई भी हो प्रोसेस सेम रहेगा, चाहे वो आपका स्लिट मिल हो, रोलिंग मिल हो, बार मिल हो, पाइप मिल हो, इवन जहाँ मोटर के साथ गियरबॉक्स और रोल कनेक्टेड होगा वहाँ पे ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट करना होगा, तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको अपने कॉपी पे आप नोट कर लीजिए पहले से ही। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि स्टैंड एमपीएस, जिस भी स्टैंड का आप रोल आरपीएम निकालना चाहते हैं उस स्टैंड का स्टैंड एमपीएस आप लिख लेंगे। सबसे पहले ये कहाँ मिलेगा अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा रोल डाया, जो कि आपको आसानी से पुलपिट में मिल जाएगा। दोस्तों आप पुलपिट में जाके ऑपरेटर से बात करके वहाँ से आपको रोल डाया मिल जाएगा और स्टैंड एमपीएस मिल जाएगा। तो दोस्तों आप जिस भी स्टैंड का रोल आरपीएम निकालना चाह रहे हैं उस स्टैंड का आपको क्या लेना होगा, रोल डाया लेना होगा और एमपीएस लेना होगा, तो आपको आसानी से पुलपिट में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, मैं अपने वहाँ का जो भी डेटा लूँगा आप अपने वहाँ का लेंगे, ठीक है, तब जाके आप जो है कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ रोल आरपीएम निकल पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हर जगह का अलग अलग सिस्टम होता है, जैसे हमारे वहाँ सृजी ऑटोमेशन है, आपके वहाँ कहीं वेगा हो सकता है, लेक्सोल हो सकता है, पार्कर का हो सकता है, मतलब इवन कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने वहाँ का डाटा लेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कंटिन्यूस स्टैंड C1 का एमपीएस ले लिया है जो 0.350 एमपीएस है और C1 का रोल डाया ले लिया है जो 436 mm है। अब चलिए इसका जो है हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने C1 स्टैंड का वैल्यू ले लिया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं C1 स्टैंड का जो एमपीएस है 0.349 और रोल डाया है 436 mm और आपका जो रोल आरपीएम है दोस्तों 15 है। दोस्तों एक डाउट रहता है बहुत सारे लोगों के मन में कि जो रोल स्पीड होता है और जो रोल स्पीड एमपीएस होता है, ये दोनों यानी कि जो रोल स्पीड आरपीएम और जो रोल स्पीड एमपीएस, ये दोनों दोस्तों सेम ही होता है। आप देखेंगे जाके तो ऊपर में जो एमपीएस होता है और जो रोल आरपीएम होता है दोनों सेम होता है। अब पूछेंगे कैसे, तो चलिए मैं आपको आज ये बता के क्लियर कर देता हूँ। बस इनका जो यूनिट होता है ना दोस्तों वो डिफरेंस होता है, अलग होता है। ये जो आरपीएम होता है, ये आरपीएम जो होता है दोस्तों वो रिवोल्यूशन पर मिनट होता है और ये जो आपका एमपीएस होता है वो आपका मीटर पर सेकेंड होता है। बस इसमें ना यूनिट का चेंजेस है, जो दोनों आपका स्पीड है वो सेम रहता है, ये एमपीएस और ये आरपीएम, ये दोनों सेम रहता है। ये C1 का ही है, ये आपका C1 का आरपीएम मैं लिया हूँ यहाँ पे और C1 का जो है एमपीएस लिया हूँ। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये दोनों सेम कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं जो है अभी आरपीएम ले लेता हूँ 15 आरपीएम। यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैं 15 आरपीएम यहाँ पे ले लिया। अब जो ये 15 आरपीएम है इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा ये जो आरपीएम से आपको कैसे मीटर पर सेकेंड में ये कन्वर्ट होता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। अभी देख सकते हैं दोस्तों ये 15 आरपीएम है, यहाँ पे मैं केवल आरपीएम ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आरपीएम में क्या किया, लिख लिया आरपीएम को दोस्तों हम लिख सकते हैं रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है। अब दोस्तों इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे इसको और मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो एक रिवोल्यूशन बराबर, आपको पता है एक रिवोल्यूशन जो होता है वो पाई डी के बराबर होता है, पाई डी के बराबर यानी पाई डी एमएम के बराबर होता है। एक मिनट है तो इसको एक ही मिनट हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अभी आगे बताएंगे इसका क्या होता है। अब यहाँ पे ये 1 है तो ये 1 ऐसे लिख लेंगे। अब दोस्तों एक रिवोल्यूशन बराबर इतना होता है,
वैल्यू। अब ये पूछेंगे ये एक रेवोल्यूशन इतना कैसे आ गया, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे दो रोल होता है, तो रोल जब घूमता है तो जब ऐसे घूमेगा तो एक रोल्यूशन यानी कि एक चक्कर पूरा किया इस पॉइंट से यहाँ तक, तो ये जो आपका होता है पाई होता है, और ये जो आपका होता है आर, ये एक आर यानी टू आर, ये टोटल आपका डाया हो गया यानी कि डी, ये वाला पोर्शन क्या हो गया डी। तो अब डाया क्या होगा आपका एमएम में होगा ना, तो ये मैं क्या किया डाया को एमएम में लिख दिया और ये पाई को लिख दिया, और ये वन रेवोल्यूशन जैसे था मैंने वन लिख दिया, वन में अगर किसी से गुणा करेंगे तो वो उतना ही वैल्यू होगा, तो यही लिखा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए थोड़ा सा और इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये वन को मैं एमएम में के पास लेके जाता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिखूँगा अभी पाई डी वन एमएम, कोई दिक्कत? अब दोस्तों इसके नीचे जो है एक मिनट है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिख दूंगा एक मिनट, वन मिनट, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे पाई है पाई लिखेंगे, डाया है डाया लिख देंगे, ठीक है। एक एमएम बराबर आपको पता है वन एमएम इक्वल टू होता है वन डिवाइड बाई थाउजेंड मीटर, और जो आपका होता है ये थोड़ा सा मैं साइड में कर लेता हूं, और आपका जो होता है एक मीटर बराबर 1000 mm, कोई दिक्कत? तो ये आपका एक मीटर, ये यूनिट है आपको याद करना पड़ेगा, एक मीटर बराबर 1000 mm और एक एमएम बराबर 1/1000 मीटर। तो अब देख सकते हैं दोस्तों ये जो आपका वैल्यू है यहाँ पे हम एक एमएम बराबर इतना हम पुट कर देंगे, तो चलिए पुट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके जगह पे मैं ये रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/1000, कोई दिक्कत? अब ये किस में हो जाएगा दोस्तों, मीटर में हो जाएगा ना, तो यहाँ पे एम लिख दूंगा डिवाइड बाई, अब यहाँ पे दोस्तों एक मिनट, अब एक मिनट में कितना होता है दोस्तों 60 सेकेंड, यहाँ पे एक मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? तो अब आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोस्तों थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, किसी भी चीज़ के नीचे मैं बट्टे वन कर सकते हैं, ये आपको अगर मैथ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ के नीचे हम बट्टे वन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये वाला आपका, ये वाला जो पोर्शन है ये एक हो जाएगा, और ये भी वाला एक हो गया, ये डिवाइड है। अब डिवाइड के नीचे कुछ भी रहता है तो अगर ये ऊपर लेके जाएंगे, ये ऐसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये इनटू में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपको आगे दिखा रहा हूँ कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पाई डी इनटू वन बाई थाउजेंड, अब ये देख डिवाइड में है दोस्तों, तो इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वन ऊपर चला जाएगा, ये आपका 60 जो है नीचे हो जाएगा, ये आपका मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों? अब थोड़ा सा इसको और मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पाई डी, ये वन में वन से गुणा करेंगे तो वन ही होगा, पाई डी से वन में गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, डिवाइड बाई ये हज़ार में जब 60 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 60,000, और ये मीटर पर सेकेंड। दोस्तों यहाँ तक कोई आपको दिक्कत? तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका पाई का वैल्यू होता है कितना, पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू डाया। अब डाया किसका लेंगे दोस्तों? सीवन का। तो सीवन का यहाँ पे देख सकते हैं डाया मैं लिखा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं सीवन का जो डाया है मैं लिखा हूँ 436 mm, तो यहाँ पे मैं 436 ले लूँगा, और यहाँ पे नीचे नीचे क्या हो जाएगा 60,000। अब दोस्तों यहाँ पे वैल्यू लाने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं 15 RPM है ना, तो ये जो 15 RPM RPM को मैं लेके चला हूँ तो ये वैल्यू आया, ठीक है। और 15 को भी लेके चलूँगा ना, तो यहाँ पे 15 का मैं क्या करूँगा गुणा कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि इतना मैं लेके चला हूँ। अब जब इतना का जब आप गुणा करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा इतना, आप गुणा करके देखिएगा आपका वैल्यू इतना आ जाएगा डिवाइड बाई 60,000 मीटर पर सेकेंड। जब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो दोस्तों जो आपका रोल स्पीड निकल के आएगा, रोल स्पीड
किस में, एम्पियर्स में, मीटर पर सेकेंड में, वो निकल के आएगा कितना, 0.342 एम्पियर्स मीटर पर सेकेंड। ये आपका निकल के आएगा रोल स्पीड एम्पियर्स में। तो ये दोस्तों होता है, ये आपका दोनों, ये दोनों आपका सेम ही होता है दोस्तों, ठीक है, बस आपका यूनिट का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैं आरपीएम को लेके चला हूँ, यानी कि रोल स्पीड आरपीएम को लेके चला हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं रोल स्पीड एम्पियर्स, ये आपका एम्पियर्स में आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो है, अगर मैं आरपीएम को लेके चलूँगा तो मीटर पर सेकंड ला लूँगा, अब मीटर पर सेकंड को लेके चलूँगा तो आरपीएम ला लूँगा। ये आपको लाना है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। मीटर पर सेकंड से रिवोल्यूशन पर मिनट में हम कैसे लाएँ, यानी कि आरपीएम में कैसे लेके आएँ। तो जैसे मैं किया हूँ वैसे ही आप भी ट्राई करिए कि कैसे आएगा, ठीक है। अब चलिए, जो अपना मेन पॉइंट है वो ये है कि हम रोल आरपीएम कैसे निकालें, यानी कि रोल स्पीड, यानी कि आरपीएम कैसे निकालें, रोल का जो आरपीएम होता है उसको कैसे निकालें। तो रोल आरपीएम निकालने के लिए दोस्तों आपको मैं फार्मूला लिखवा दूं, तो यहाँ पे रोल आरपीएम होता है रोल स्पीड, यहाँ पे रोल स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, इन मीटर पर सेकेंड और एम्पियर्स दोनों सेम ही है, इक्वल टू पाई डी और आपका होता है एन आर, मतलब एन आर रिवोल्यूशन वो घूमेगा, ये जो ऊपर आपको बताया था ये वाला, तो वो यही है, कोई दिक्कत। अब देख सकते हैं, अब नीचे मैं क्या लिख लूँगा, 60,000 आरपीएम। अब दोस्तों ये जो आपका रोल स्पीड एम्पियर्स है ना, तो वो यही वाला है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं रोल स्पीड एम्पियर्स, ये दोनों सेम ही होता है, तो यहाँ पे मैं एम्पियर्स लिखा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे रोल एम्पियर्स जो है मेरा क्या है उसको मैं लिखूँगा, तो चलिए मैं उसको रोल एम्पियर्स को लिख लेता हूँ, यहाँ पे रोल एम्पियर्स को मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे रोल एम्पियर्स हमारा कितना है, मैं ऊपर वैल्यू कितना लिखा था आप देख सकते हैं, आप जो लिखे हैं उसके हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ पे रोल एम्पियर्स मेरा जो है वो कितना है, 0.349। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 0.349 इक्वल टू पाई का वैल्यू होता है 3.14, आपका डाया कितना था 4036, और एन आर हमको निकालना है, तो एन आर को ऐसे छोड़ देंगे, डिवाइड बाई 60,000, कोई दिक्कत। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इसका गुणा इसमें और ये जो वैल्यू रहेगा इसके नीचे आ जाएगा, तो चलिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, यानी कि जो मेरा एन आर इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा ये एन आर को मैं यहीं छोड़ देता हूँ, इसका गुणा इसमें कर रहा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 60,000 इंटू 0.349 डिवाइड बाई ये वाला वैल्यू, यानी कि 314 × 436। अब या करके हम लिख सकते हैं NR इक्वल टू, अब इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इन सब का जो है कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे तो इन सब का कैलकुलेशन कितना आएगा, ये ऊपर का अगर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आएगा 20,940, इसका जब गुणा हम करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1369.04। अब इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा ना दोस्तों, तो ये आएगा 15.29, यानी कि जो मेरा दोस्तों एनआर है वो कितना आ रहा है, 15, यानी कि रोल एन मतलब आरपीएम, रोल आरपीएम जो मेरा कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ये जो आपका देख सकते हैं ऊपर दोस्तों, जो हमारा रोल आरपीएम था वो ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो रोल स्पीड यानी कि जो आरपीएम था हमारा कितना था, 15 था। तो आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो भी हम सी वन स्टैंड का वैल्यू लिए हैं, जो उसका एम्पियर्स और जो आपका रोल आरपीएम और एम्पियर्स दोनों सेम होता है, बस इसमें दोस्तों यूनिट का चेंजेस होता है,
जो आपका यूनिट होता है वही चेंज होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।